हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि हम किस तरीके से एडिट कर सकते हैं अपनी मुरझाई हुई फोटोज को एकदम खिलखिलाती फोटोज के अंदर। यस, आज हम करने वाले हैं एडिट इमेजेस लाइट प्रो एंड लाइट रूम प्रो। आप मुझे देखते रहिए और मैं आपको बताता रहता हूँ। आप मुझे देख तो नहीं सकते बट सुन सकते हो, तो सुनते रहिए। हम बनाते हैं इमेज को एकदम खिलखिलाता। लेट्स डू इट। सबसे पहले आपको एल्बम में आ जाना है जहां पर आपने अपनी इमेज को रखा हुआ है। तो मैं प्रीव्यू के लिए आपको इस इमेज को एडिट करके बताने वाला हूं। देन आपको यहां पे शेयर का ऑप्शन मिलता है, उस पर आप सिंपली क्लिक करके इसको ऐड कर लें लाइट रूम के अंदर। ये सिंपली लाइट रूम के अंदर ऐड हो चुकी है अपनी लाइट रूम के एल्बम के अंदर। तो अब हम सिंपली शिफ्ट हो जाते हैं लाइट रूम के अंदर। Lightroom को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ऑल फोटोज का एक ऑप्शन। उसमें हमारी इमेज जो कि हमने वहां से शेयर की थी वो यहाँ पर आके बैठ गई है। तो हमें इस पे सिंपली टच करके इसको सेलेक्ट कर लेना है। देन हम देख लेते हैं एक बार इसका बिफोर आफ्टर। तो आपको पता है एकदम मस्त होने वाला है। तो सिंपली आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दबाएंगे ऑटो के ऊपर। तो आप अभी से ही देख सकते हो बिफोर और आफ्टर में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें मिलता है नीचे एक लाइट का ऑप्शन जो कि इसके पास में ही है, और यहाँ पर आपको ऊपर मिलेगा एक कर्व का ऑप्शन। आप सिंपली इसके ऊपर चले जाइए। देन यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जहां पर आपको नीचे वाले पॉइंट को क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर लेना है, मतलब थोड़ा ही लेना, ज्यादा नहीं लेना। देन आपको क्या करना है, एकदम बीच से थोड़ा आगे यानी यहाँ पर एक इसको कर्व दे देना है ऐसे, ठीक है। अब आप बोलोगे हम तो यहाँ पे फोटो को फीका क्यों कर रहे हैं, आप टेंशन क्यों लेते हो यार, बस आप इसको हॉकी स्टिक की तरह बना दो। ओके, देन हम क्या करेंगे, इसको सिंपली यहाँ पर डन पर क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा एक नीचे कलर का ऑप्शन। उस कलर के ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एक वाइब्रेंस और सैचुरेशन, जो कि वाइब्रेंस ने लाइट रूम ने पहले ही बढ़ा के रखा हुआ है। तो कोई नहीं, हम इसको एकदम अच्छे से सेटअप करेंगे। हम इसको रख देंगे एकदम 60 पर। अब आप मेरी यहाँ पर एक बात को नोटिस करो, जो मैं यहाँ पर आपको नंबर्स बताने वाला हूँ, जरूरी नहीं है कि वो आप एज इट इज अपनी इमेज के अंदर पुट कर दो, क्योंकि आपको पता है कि आपकी हर एक इमेज एक अलग अलग रोल प्ले करती है। उसके अंदर अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं, कलर्स होते हैं, तो वो उसी के अनुसार सेट होंगे। मैं आपको एक आइडियोलॉजी दे रहा हूँ जिसके अनुसार आप अपनी इमेज को एकदम एज इट इज सेट कर सकते हो, मतलब एज इट इज नहीं, वो तो बात तो वही है कन्या। ओके, देन हम क्या करेंगे, सैचुरेशन को +5 पे रख लेंगे, क्योंकि हम इसको एक टेक्सचर देना चाहते हैं एकदम रेडिश सा, क्योंकि जो ये हाथ रखे हुए हैं ना डेस्क पर, तो वो एकदम थोड़ी सी एकदम वुडन टाइप की आनी चाहिए फील, है ना। तो अब हम जाएंगे यहाँ पे मिक्स के ऑप्शन पे, जो कि यहाँ पे आपको ऊपर ही मिल जाता है। देन यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन मिल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपली रेड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको हुई को रख लेना है एकदम -14। देन आपको यहाँ पे सैचुरेशन को रख लेना है -20 अराउंड, है ना, 20 ये रहा। देन आपको यहाँ पे लुमिनस को रख लेना है एकदम +12। अब यहाँ पे हमने इसको एज इट इज सेट क्यों किया, क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो ये रेडिश सा थोड़ा थोड़ा टचअप आया है बालों के अंदर, आप हाथों के अंदर देख सकते हो, तो ये इसी कारण से आया है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, जो वुड को कलर हम देने वाले थे वो हम ऑरेंज की मदद से देंगे। हम हुई को क्या करेंगे एकदम -14 या 16 ऐसे कुछ रख लेंगे। देन हम क्या करेंगे, सैचुरेशन को हम देंगे -44। ओके, देन ल्यूमिनस को हम रखेंगे 17 अराउंड। ओके, ये हो गया कुछ इस तरीके का। देखो फीका फीका हो रहा है, आप टेंशन मत लो, हम जब लास्ट में एकदम पाउडर लगाएंगे ना तो वहां पे सब कुछ ये फीका फीका चला जाएगा, मतलब लाइट के ऑप्शन में हम वापस से जाने वाले हैं, सिंपल सा बात है। देन हम येलो पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हुई को हम रख लेंगे एकदम 100 पर। अरे यार हाँ, 100 पर, ये तो भी नहीं हुआ, 100 पर। ओके, 100 पर रखने के बाद आपको यहाँ पे सैचुरेशन को रख लेना है -20 अराउंड, और देन आपको यहाँ पे लुमिनस को भी ज़्यादा नहीं बढ़ाना, एकदम 18 अराउंड कर लेना है पॉजिटिव में, ठीक है। देन आपको बाकी कलर्स को कुछ भी नहीं छेड़ना, बस आपको सैचुरेशन को -100 कर देना है, क्योंकि हमारे जो मेनली तीन ही कलर होते हैं जो कि रेड, ऑरेंज और येलो, बाकी हमें कुछ भी नहीं छेड़ना इनको, बस सैचुरेशन को आपको क्या कर देना, -100 कर देना है। ओके, मैं कर देता हूँ, ये हुआ नहीं था। ओके, देन आपको यहाँ पे सिंपली डन पर क्लिक कर देना है। डन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे
अब आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि इमेज अपना एकदम असली रूप लेने को आ रही है, मतलब खिलखिलाती होने वाली है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे इफेक्ट्स के ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे आपको मिलती है क्लियरिटी। देखो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर सब है ना एकदम क्लियरिटी को एकदम पूरा बढ़ा देते हैं, मतलब एकदम पूरा ही बढ़ा देते हैं उसे। देखो इमेज है ना एकदम ऐसे घुड़दड़ी घुड़दड़ सी, आप देख सकते हो ऐसे फटने सी लग जाती है, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो हम इसको एकदम सिंपली 44 अराउंड या 35, देखो वो आपकी, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, वो आपकी इमेज पे डिपेंड करती है, वो आपकी इमेज कितनी क्लियरिटी चाहती है, ठीक है। देन यहाँ पे हम डैश को भी रख देंगे कुछ 12 अराउंड, ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना। देखो ज़्यादा बढ़ाएंगे तो कुछ ये ऐसी हो जाएगी, है ना। बाकी आप देख सकते हो, आप अपने अनुसार भी इसको सेटअप कर सकते हो। देन इसको मैं एक बार फिलहाल 12 ही रख देता हूँ। देन हम यहाँ पे रखेंगे विग्नेट को, इसको माइनस में रखते हैं तो ये आपको पता है ना ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो एकदम ब्लैक ब्लैक भी नहीं करेंगे, इसको थोड़ा ही ब्लैक करेंगे। मेरे कहने का मतलब एकदम इसको माइनस का 12 या 10 इतना ठीक है ना, ज़्यादा में ब्लैक ब्लैक नहीं चाहिए, जो कि पीछे ब्लर आ रहा है ना वो अच्छा लग रहा है। देन हम क्या करेंगे, हमें अब लगाना है इसके ऊपर पाउडर, जो कि हमने पीछे के लिए बचा के रखा था, मतलब लास्ट में रखेंगे। तो अब जाएंगे हम लाइट के ऊपर, लाइट के ऊपर हम वापस से आ गए हैं जहाँ पे हम शुरुआत में हमने यहाँ पे कर्व लगाया था ना एकदम शुरू में, तो वहीं पे हम वापस आ गए हैं। यहाँ पे हमें एक्सपोजर को रख देना है कुछ, आप कह सकते हो 1.38, मैं रख देता हूँ इसको इतना अराउंड। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाइट्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है नीचे, उसको आपको रख देना है माइनस का 75, ओके, जो कि पहले बहुत ज़्यादा वाइट हो गई थी ना, उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा वाइट नहीं, एकदम हमें सिंपली एकदम हल्की चाहिए ना। देन हम क्या करेंगे, नीचे एक हमें ब्लैक्स का ऑप्शन भी मिलता है, उसको भी माइनस में थोड़ा और बढ़ा देंगे, ठीक है। अब फिर से बोल रहा हूँ आपको, डिपेंड आपकी फ़ोटो पे करती है। देन यहाँ पे आपको कुछ मिलता है हाईलाइट्स का ऑप्शन, उस हाईलाइट्स के ऑप्शन पे जाके आप इसको भी माइनस का 63 के अराउंड कुछ कर दो। देन आपको क्या लगे कि इमेज अभी भी थोड़ी सी ऐसे है, वाइट पूरी नहीं हुई, तो आप बस कॉन्ट्रास्ट को आप थोड़ा सा बढ़ा दो इतना अराउंड, ओके। तो बस यार आपकी इमेज एकदम देखो कैसी बन चुकी है, इसका आप बिफोर और आफ्टर देखोगे तो बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है। और देन हम इसको क्या कर लेते हैं, सिंपली यहाँ पर शेयर पर क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ, मतलब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप सिंपली कॉपी सेटिंग्स को करके आप इसको एकदम ऐसे राइट करके इसकी कॉपी सेटिंग्स करके आप अब कोई सी भी इमेज के अंदर सिंपली इसको एज इट इज़ जाके 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट कर दोगे ना, तो वो ये सारे इफेक्ट आपको वापस से नहीं लगाने पड़ेंगे, सिंपली आपको पेस्ट कर देना है। तो कॉपी पेस्ट का अब काम रहा है, तो देख लो आपको जितनी भी इमेज बनानी है अब आप सिंपली बना सकते हो। बताऊँ कैसे, जैसे कि देखो मैंने पेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक और इमेज को एल्बम से शेयर कर लिया लाइटरूम में और उसको सेलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे आपको सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करके वो जो हम कॉपी करके लाए थे ना सेटिंग्स को, वो यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देनी है, तो ये इमेज अपने आप यहाँ पे सेटअप हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपकी इमेज में कुछ सेटिंग्स करने की चेंजेस है, तो आप सिंपली यहाँ पे वापस से जाके आप अपने अनुसार से इसको सेटअप कर सकते हो, जिसमें मैं देखता हूँ कि इसमें क्लियरिटी कुछ ज़्यादा हो गई है तो हम इसमें भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, बताइए आपको कैसा लगा। और हाँ, आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, हम ऐसे ही वीडियोस यहाँ पे लाते रहते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और मैं मिलता हूँ आपको नए वीडियो में, तब तक लिए सी यू सून।